कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साप्ताहिक राशिफल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चंद्र राशि पर आधारित साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करेंगे और ये साप्ताहिक राशिफल आपका दिसंबर के पहले सप्ताह के लिए रहेगा, यानी 1 से 7 दिसंबर के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे 1 से 3 दिसंबर के लिए। 1 से 3 दिसंबर में चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करेंगे। मिथुन राशि में गोचर करते हुए ये आपके पंचम भाव में स्थित रहेंगे। पंचम भाव में चंद्रमा का आना आपको थोड़ा सा इमोशनल कर सकता है अपनी संतान के प्रति, अपने कोई भी आपका लवर है उसके प्रति। साथ ही साथ कुछ नया आप सीख सकते हैं, आपकी जो क्रिएटिव स्किल है उसमें वृद्धि होगी, आप कुछ सर्जन शक्ति अपने अंदर डेवलप करेंगे और उसका आप आने वाले समय में फायदा ले सकते हैं। तो पंचम भाव में चंद्रमा का आना अच्छी स्थिति कही जाएगी, आपको थोड़ा सा एनालिटिकल बनाएगा, थोड़ा सा सृजनात्मक शक्ति देगा और कहीं ना कहीं इस समय में अपने दिमाग का यूज ज़्यादा करें और आप भावुक ना हो तो बहुत अच्छा रहेगा। पंचम में चंद्रमा का आना आपको कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के कामों से भी लाभ करवाएगा, क्योंकि ये 3 नंबर राशि में है। साथ ही आप अपनी पढ़ाई में अच्छा कर पाएंगे, तो जो लोग जैसे कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जो उनके लिए एक स्टार्टिंग ही होगी, कुछ नया पहले से कुछ आता नहीं है, तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है। इस समय में चंद्रमा के पंचम भाव में होने से आपको जुआ, सट्टा, लॉटरी वगैरह या अचानक कहीं से ऐसे ही कामों से धन की प्राप्ति हो सकती है। आपको शेयर बाजार से भी इस समय में विशेष लाभ मिल सकता है। चंद्रमा का पंचम में होना आपको ये दिखाता है कि आप अपनी संतान के प्रति बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे और अपनी संतान के लिए कितने भी काम आप कर सकते हैं। इस समय में अपनी संतान के प्रति थोड़े से आप ऑब्सेस्ड हो जाएंगे। चंद्रमा का पंचम में होना प्रेम संबंधों में आपको सफलता दिखाता है। यहाँ से चंद्रमा लाभ भाव प्रदृष्टि डाल रहे हैं, तो आपको लाभ अवश्य कराएंगे। जो भी धन लाभ होगा आप उसको अपने पास रख पाएंगे। तो इस समय में ये आपके लिए शुरुआती जो 3 दिन है वो लाभ अर्जित करने का समय है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ संपर्क में रहने का समय रहेगा। आप मार्केटिंग के क्षेत्र में अगर काम कर रहे हैं या कोई भी ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मिलना होता है, उनसे बातचीत करनी होती है, उनको कोई सलाह देनी होती है, तो आपके लिए ये शुरुआती 3 दिन काफ़ी बेहतर रहने वाले। साथ ही साथ आप कुछ अच्छा सीख सकेंगे, कुछ ऐसा काम सीख सकेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सीखा और जिसको सीखने का आपके मन में बहुत पहले से ही विचार हो रहा था। चंद्रमा यहाँ से जब आपके लाभ भाव प्रदृष्टि डाल रहे हैं, तो कुछ ऐसे लोगों से आपके संबंध बनेंगे, उनसे आपके संपर्क होंगे जो समाज में या फिर कहीं ऐसे बड़े पदों पर वो हो सकते हैं, तो आपको उनसे लाभ होगा, आपको उनसे सहायता जरूर मिलेगी। आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस समय में फेमस हो सकते हैं, आपको अपने फ्रेंड से पूरी मदद जरूर मिलेगी। आपके बड़े भाई के साथ आपके संबंध काफ़ी अच्छे होंगे। तो चंद्रमा का पंचम भाव में होना अच्छी स्थिति मानी जाएगी आपके लिए शुरुआत में। इसके बाद चंद्रमा आपके लिए 6th हाउस में जा रहे हैं, अपनी खुद की राशि में। अपनी खुद की राशि में चंद्रमा का जाने से आपको स्वास्थ्य में इतना यहाँ पर हानि नहीं होगी, लेकिन कार्यस्थल की जो परिस्थितियाँ हैं वो थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। आपके संबंध थोड़े से भावुक होंगे जिनके साथ आप हमेशा काम करते हैं, रोजाना आप जिस ऑफिस में काम के लिए जाते हैं वहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आप डेवलप कर सकते हैं जिससे आपके और आपके सहकर्मियों के बीच एक अच्छा तालमेल बनेगा, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी बनेगी, तो आप किसी भी काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। साथ ही कोई कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वक्त काफ़ी अच्छा है, आप सफल हो सकते हैं। जो भी आपके प्रतियोगी होंगे आप उनको इस समय में हरा पाएंगे। अगर आप किसी प्रकार के वाद विवाद में पड़ते हैं तो आपको उससे दूर जरूर रहना चाहिए, क्योंकि इस समय में आपको धन की बर्बादी हो सकती है, साथ ही साथ आपको किसी लड़ाई झगड़े में पड़कर ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। चंद्रमा का 6th हाउस से अपनी जो 7वीं दृष्टि है वो 12वें भाव पर डालने से आपके लिए विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता को दिखाता है। साथ ही साथ कहीं दूर जाने का समय यह हो सकता है, कुछ कोई ऐसा काम आपका बन सकता है कहीं दूर, किसी दूर के स्थान पर, या जॉब को लेकर भी आपको दूर कहीं जाना पड़ सकता है। तो फॉरेन जाना चाहते हैं तो समय काफ़ी अच्छा है, लेकिन 12वें भाव पर चंद्रमा की दृष्टि होने से थोड़ा धन में यहाँ पर कमी करेगा, धन में ज़्यादा नुकसान करवा सकता है, धन का खर्चा करवा सकता है। साथ ही साथ चंद्रमा
आपको मानसिक रूप से परेशान करेगा। रात को सोते समय आपका जो रूटीन है वो थोड़ा सा खराब रहेगा। साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब आपके लिए अंतिम दो दिनों में। अंतिम दो दिन यानी आपके लिए 6 और 7 दिसंबर का जो समय है उसमें चंद्रमा सप्तम भाव में ट्रांजिट करेंगे। सप्तम भाव में चंद्रमा के ट्रांजिट से आपके लिए वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी आपको ये हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा भावुक हो सकते हैं, और इस समय आपको कोई भी अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रही है या कोई ऐसे कुछ लफड़ा चल रहा है जहाँ पर आपको जेल यात्रा तक हो सकती है, तो वो कुछ समय के लिए आप बचा सकेंगे। अगर आपके कर्म काफ़ी अच्छे होंगे तो आपको इस समय में लाभ मिल सकता है, अन्यथा परेशानी भी हो सकती है। ये समय आपको अपने बिजनेस पर ध्यान देने का है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अच्छा समय है, किसी के साथ कोई पार्टनरशिप करने का भी ये समय रहेगा। साथ ही साथ इस समय में थोड़ी सी परेशानी आप जरूर महसूस कर सकते हैं मानसिक रूप से। अगर आप मेडिटेशन का सहारा लेते हैं तो आप अपने आप को काफ़ी इस समय में शांत रख पाएंगे। आप अपने मन की जो भावनाएं हैं उन पर इस समय में कंट्रोल जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। चंद्रमा के सप्तम भाव में होने से आपका जो लाइफ पार्टनर है वो थोड़ा सा मूडी टाइप का हो सकता है और वो थोड़ा भावुक व्यवहार कर सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही आप अपने जो भी सहकर्मी यानी आपके बिजनेस में जो भी पार्टनर हैं उनके साथ अच्छा संबंध बनाने की कोशिश ज़रूर करें। अगर आप कोई पॉलिटिक्स में हैं और ऐसा काम करते हैं जहाँ पर आप जनता के साथ ज़्यादातर व्यवहार करते हैं तो जनता से आपका व्यवहार इन अंतिम दो दिनों में काफ़ी अच्छा रहेगा। लोग आपको सपोर्ट करेंगे, लोग आपकी बातों को सुनेंगे, तो ये समय आपकी नेम फेम बढ़ने का भी है, आपको एक अच्छा रेस्पेक्ट लोगों से मिलेगा। इस समय में मैरिड लाइफ में आ रही परेशानियां दूर होंगी और आपको अपने लाइफ पार्टनर से अच्छा सहयोग भी देखने को मिल सकता है। तो ये पूरा वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। इस पूरे वीक में जो आपके लिए शुरू से ही शुरुआत काफ़ी अच्छी रहेगी, शुरुआती 3 दिन तो बहुत ही अच्छे जाने वाले, लेकिन उसके बाद के जो आपके 2 दिन हैं उनमें थोड़ी परेशानी आप महसूस कर सकते हैं, यानी 4 और 5 दिसंबर को। तो आपको विशेष ध्यान रखना होगा 4 और 5 दिसंबर का, इसके अलावा ओवरऑल आपके लिए ठीक ही रहेगा। लेकिन अंतिम 2 दिनों में कुछ निर्णय आपके वो गलत जा सकते हैं, कुछ फैसले आपको ऐसे लेने पड़ सकते हैं जो आपको लेने नहीं चाहिए, क्योंकि आपका जो राशि स्थान का स्वामी है वो पहले से ही 12वें भाव में ट्रांजिट कर रहा है, तो ये समय विदेश जाने का भी हो सकता है और ये समय आपके लिए खर्चों का भी हो सकता है। लेकिन चंद्रमा का सप्तम भाव में जाना आपके लिए कहीं ना कहीं इन स्थितियों पर थोड़ा नियंत्रण जरूर रहेगा 2 दिन के लिए, और आपका कॉन्फिडेंस आप बढ़ता हुआ देखेंगे। तो ओवरऑल ये जो सप्ताह है इसमें सबसे ख़राब दिन आपके लिए कहे जाएं तो 4 और 5 दिसंबर को ही रहेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इस वीक में शुभ अंक और रंग की। आपके लिए इस वीक में शुभ अंक रहेगा 4 और आपके लिए शुभ रंग रहेगा ब्लैक कलर यानी काला रंग। फिलहाल बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।